हल्द्वानी में रानीबाग और अमृतपुर क्षेत्र में अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई शुरू हुई है। यहां घूमने के नाम पर नदियों में नहाने पिकनिक मनाने गए लोगों पर चलानी कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई बरेली, रामपुर, मुरादाबाद और हल्द्वानी में की गई है। इस दौरान पकड़े गए सभी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं का पुलिस एक्ट में चालान किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी ने कहा कि देवभूमि की शांत वादियों में अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है, ये हमारे जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जो पवित्र नदियां हैं उनकी साफ सफाई स्वच्छता को भी फोकस करता है। इसमें कई सारे लोग हैं जो हमारे टूरिस्ट के तौर पर हमारे अतिथि की तरह आते हैं हमारे स्टेट में, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी नदियां हैं, इनको, ये पवित्र स्थल हैं, इनको लेकर लोगों की आस्थाएं भी हैं, तो यहाँ पे किसी भी तरीके का हुड़दंग या अराजकता ना करें, इस चीज की रिक्वेस्ट है सभी लोगों से। इसमें अभी पिछले दो दिनों में जो कार्रवाई हुई है, इसमें लगभग हमारे 72 जो है पुलिस एक्ट के चालान किए गए हैं, जो भी लोग हैं जो भी इस तरीके की कार्रवाई में लिप्त है उनके खिलाफ। इसके अलावा 45 एमवी एक्ट के चालान किए गए हैं और 4 गाड़ियां सीज भी करी गई हैं। आगे भी अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो उस पर कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, बार बार अलग अलग माध्यमों से अपील की जा रही है कि आप आए हमारे स्टेट में, आप सभी का स्वागत है। आप लोग आए, यहाँ के जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी मेजेस्टिक प्लेसेस हैं, उन सबका विजिट करें, लेकिन इस जगह की गरिमा को बनाए रखें।